तो देखिए कितने टेस्टी और यम्मी ये पोटैटो बाइट बने हैं। आज मैं आपके साथ पोटैटो गार्लिक बाइट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे बच्चों के टिफिन में बना के रख सकते हैं, घर आए मेहमानों को बनाकर भी खिला सकते हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, ये देखिए, और अंदर से हल्के से सॉफ्ट होते हैं। तो इसे मैं आपको तोड़ के ही बताती हूँ, ये देखिए, वाव। और इसी के कारण ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के 4 बॉइल आलू लिए हैं, जिसका छिलका हटाकर मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। और आलू को अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही मैंने इसे कद्दूकस किया है। तो आप भी आलू को अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही कद्दूकस करें। लगे तो आप जब आलू बॉइल हो जाए तो उसे थोड़ी देर ठंडा होने के बाद फ्रिज के अंदर रख दें, ताकि जो आलू है वो जल्दी से ठंडी हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। यदि आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। और यदि आप इस नाश्ते को स्पेशल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। फिर डाल देंगे 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर। फिर मैंने यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच नमक। नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बटर। बटर यहाँ पर ऑप्शनल है, यदि आपकी इच्छा हो तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी आप ये स्नैक्स बना सकते हैं, लेकिन बटर डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, इसे कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स। ब्रेड को आप मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लीजिए, तो आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे और इसे डो की तरह तैयार करेंगे। ये आलू से बना स्नैक्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों के टिफिन में बनाकर रख सकते हैं, या जब आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डो हमें लगाना है। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसकी एक लोई बना लेंगे। हल्का सा अपने हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस कर ले। मैंने हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था। अब हम इस तरह से एक लोई लेंगे और इसे अपने हाथों से इस तरह से हम रोल करेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इस तरह से इसे रोल करते जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी आपको इसे कितना पतला या मोटा रखना है। तो इस तरह से हमें इसे रोल करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें रोल करना है और इसकी थिकनेस को हमें इतना रखना है, एकदम ज्यादा मोटा नहीं रखना है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल ली है, तो इसे हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल की जगह कोई सी प्लास्टिक बैग ले सकते हैं। अब जो हमने रोल बनाया था, इस रोल को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से उठाकर, और इसे हम रोल कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इसे रोल कर देंगे। और इसी तरह से हम दूसरा रोल भी रेडी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर दोनों रोल को रेडी कर लिया है, तो इन्हें उठाकर हम फ्रीजर के अंदर रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। जिससे क्या होगा कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, और जब हम इन्हें कट करेंगे तो ये इजिली से कट हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया लगेंगे खाने में। तो इन्हें हम उठाकर फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। 1/2 घंटा हो गया है और मैंने दोनों रोल को फ्रीजर के अंदर से बाहर निकाल लिया है। तो अब हम एक रोल को इस तरह से खोलेंगे और इसके एल्युमिनियम फॉइल को हटा देंगे। अभी अच्छी तरह से सेट हो गई है, तो इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हम इसके 1-1 इंच के पीस कट कर लेंगे। ये देखिए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से हमें इसके पीस कट करने हैं। अब दूसरे वाले रोल को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो मैंने इन्हें कट करके प्लेट में रख लिया है। अब मैंने कटोरी में 2 चम्मच मैदा लिया है, तो इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो पहले हम थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। यदि हम एक साथ ढेर सारा पानी डाल देंगे तो इसमें बहुत सारी गुठलियाँ बन जाएगी, फिर उसे खत्म करने के लिए हमें समय लग जाएगा। इसलिए पहले थोड़ा पानी डालें और इसका एक थिक बैटर बनाएं। इस तरह से करने पर इसमें गुठलियाँ बहुत कम पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं पहले इस तरह का हमें बैटर बनाना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितना घोल हमें पतला या गाढ़ा रखना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का घोल लगाना है, ये देखिए। और इतना घोल लगाने के लिए मुझे 1/2 कप में थोड़े से कम पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लिया है, तो इस तरह से हम एक बाइट उठाकर इस घोल के अंदर डिप करेंगे और इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे इस तरह से, और इसे हम प्लेट में रख लेंगे। अब मैं आपको वापस से एक बार और बताती हूँ। इस तरह से घोल में डिप करेंगे और इस तरह से
ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इस तरह से करने से जो ये पोटैटो गार्लिक बाइट्स है खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हल्की सी सॉफ्ट रहती है ये, इसी कारण ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे बच्चों के टिफिन में बनाकर रख सकते हैं या जब आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इसी तरह से हम सभी को ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लेंगे। बच्चों को ये पोटैटो बाइट्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि हमने इसमें आलू का इस्तेमाल किया है और आलू तो बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं। आलू से बना कोई भी आइटम आप बच्चों को बना के खिलाएं तो वो कभी मना नहीं करेंगे और फट से खा जाएंगे। मैंने सभी को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम एक एक बाइट उठाकर तेल के अंदर डालेंगे। ध्यान रहे इन्हें फ्राई करने के लिए तेल एकदम ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जितने बाइट कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। अब हम इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। बीच बीच में इस तरह से हम झारे से हिलाते रहेंगे ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो। आप चाहें तो इन्हें मेहमानों को बनाकर भी खिला सकते हैं। आप इस तरह से इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट करके फ्रिज के अंदर रख दीजिए और जब मेहमान आए तो आप इन्हें गर्मा गर्म फ्राई करके इन्हें खिलाएं, या सुबह बच्चों के टिफिन में रखना है तो आप रात को ही इन्हें बना के रख लीजिए और सुबह गर्मा गर्म फ्राई करके बच्चों के टिफिन में रख दें, या आपके घर कोई छोटा सा गेट टुगेदर हो तो आप इसे स्टार्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये, मैं आपको नजदीक से बताती हूँ, ये देखिए वाओ। तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पार्ट्स को भी फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इन्हें सर्व करेंगे। तो देखिए कितने टेस्टी और यम्मी हमारे पोटैटो गार्लिक बाइट बनकर तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हल्के से सॉफ्ट होते हैं, इसी के कारण ये खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।